स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। हमने अमिताभ बच्चन को देखा है कि केबीसी वो होस्ट करते हैं और कितने शिद्दत से केबीसी को होस्ट करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है तो बहुत मेहनत से किया है। 1000 एपिसोड्स केबीसी के पूरे कर चुके हैं अमिताभ बच्चन। जब यहाँ पर एक कंटेस्टेंट ने अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो एक हादसे का शिकार हो गए थे। उस कंटेस्टेंट ने बताया कि कैसे दिवाली के मौके पर उनके साथ बड़ा हादसा हुआ था, तो इसके बाद अमिताभ बच्चन से भी नहीं रहा गया। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी ज़िंदगी की इस दर्दनाक कहानी से पर्दा उठाया। आपको बता दें कि केबीसी के सेट पर ही अमिताभ बच्चन ने उस हादसे का जिक्र किया और बताया कि दिवाली में किस तरह वो हादसे का शिकार हो गए थे और अब तक उनके हाथ पर वो निशान हैं। जी हाँ, तो इससे पहले भी हमने देखा है कि अमिताभ बच्चन हादसे का शिकार रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, अब तक इतना कुछ झेल के वो आगे बढ़े हैं। 80 साल की उम्र में भी लगातार काम करते हैं, लगभग 16 से 18 घंटे तक वो काम करते हैं। जी हाँ, ये काबिले तारीफ़ है क्योंकि इस उम्र में आते आते इंसान बहुत थक जाता है। जी हाँ, लेकिन अमिताभ बच्चन जिस तरह से इस उम्र में भी लगातार 16 से 18 घंटे देते हैं वो काबिले तारीफ़ है। तो इसी केबीसी के सेट पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इस दर्दनाक कहानी से पर्दा उठाया और इसी तरह उन्होंने बताया कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह उनके हाथ में चोट लगी थी, किस तरह पटाखों के कारण उनके हाथ जल गए थे, इस बड़े हादसे का वो शिकार हुए थे। इससे पहले भी कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन बड़े हादसे का शिकार हुए थे और यहाँ पर उन्हें बचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जी हाँ, जिसके कारण हर कोई परेशान हो गया था। हर कोई चाहता था कि अमिताभ बच्चन ठीक रहे, अमिताभ बच्चन को कुछ ना हो, और सबकी दुआ काम आई। अमिताभ बच्चन उस समय बाल बाल बच गए और अब 80 साल की उम्र में महानायक कहलाते हैं अमिताभ बच्चन, लोगों के दिलों पर राज करते हैं लगातार। आज हम अमिताभ की फिल्में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अपने ज़माने में कितनी सफल फिल्में उन्होंने दी है, और सिर्फ अपने ज़माने में ही नहीं, अभी भी अगर किसी फिल्म में वो काम करते हैं तो उस फिल्म को बहुत सराहा जाता है, उस फिल्म को देखा जाता है, उसकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी होती है, कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि हर कोई चाहता है कि अमिताभ बच्चन इसी तरह फैंस के साथ जुड़े रहें। तो अमिताभ बच्चन ने जिस तरह केबीसी के सेट पर इन सब चीज़ों का खुलासा किया, जी हाँ, उसे जानकर लोगों की आंखें नम हो गई। क्या हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ, आज उस रिपोर्ट में हम उनके उसी हादसे के बारे में बात करेंगे और अमिताभ बच्चन के करियर की कुछ खास बातें आपको बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि बेहद ही मुश्किल दौर से गुजरकर इस मुकाम को हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज उस रिपोर्ट में उनकी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन यहां नहीं, आगे इस रिपोर्ट। कौन बनेगा करोड़पति में स्टूडेंट वीक खत्म हो चुका है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अब बड़ों के साथ सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो अपने साथ बचपन में हुए दर्दनाक हादसे का जिक्र भी करते हैं। बहुत ही कम लोग इस हादसे के बारे में जानते हैं। बिग बी ने बताया कि इस हादसे से उबरने के बाद उनके निशान रह गए थे। हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट को बिग बी ने बताया कि एक बार मैंने किसी को अनार हाथ में लेकर जलाते हुए देखा, जिसके बाद मैंने दिवाली पर अनार को हाथ में लेकर जलाया और घुमाना चाहा, तब मेरे साथ भीषण हादसा हो गया। मेरा हाथ पूरी तरीके से जल गया, हाथ के ऊपर के कुछ हिस्से की चमड़ी भी निकल गई थी और इसे ठीक होने में लंबा वक्त लगा था। अमिताभ ने बताया कि जब हाथ जलता है तो वो पहले की तरह नहीं होता है। उन्होंने अपने बाएं हाथ को दिखाते हुए कहा कि मेरे अंगूठे और तंजरी का फासला ज़्यादा नहीं है जैसा कि दूसरे हाथ में दिखाई देता है। इसके साथ ही मेरी एक उंगली टेढ़ी हो गई है, जिसके साथ ही सदी के महानायक ने लोगों को सलाह दी कि कभी भी दिवाली में मेरी तरह भूल ना करें। बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति ने 1000 एपिसोड्स पूरे किए हैं। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को 1001 एपिसोड का प्रसारण हुआ। हॉट सीट पर जयपुर के मनोज कुमार गोयल पहुंचे, उनके साथ बिग बी सवाल के साथ मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि लगातार बिग बी अपने स्टोरी जो उनके साथ हादसे हुए हैं उनको लेकर
काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। एक बार जब कूली फिल्म की शूटिंग हुई थी उस समय भी उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, जी हाँ, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। आपको बता दें कि कूलिंग के शूटिंग के दौरान भी उनके साथ एक जानलेवा हादसा हो गया था। फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर अमिताभ बच्चन एक एक्शन सीन कर रहे थे और इसी एक्शन सीन को करते हुए वो घायल हो गए थे। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के फैंस में इस हादसे को लेकर चिंता की लहर सी दौड़ गई थी। कहा जाता है कि जिस अस्पताल में अमिताभ का इलाज चला उसके बाहर प्रशंसकों की हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, जिससे आपको बता दें कि लोग उनकी चिंता करते थे। अब वे ठीक होकर जब घर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इसका दुर्लभ वीडियो भी सामने आया था। आपको बता दें कि इस वीडियो में देखा गया था कि इलाज करवा कर घर लौटने पर अमिताभ बच्चन का कैसे स्वागत किया गया। वीडियो में अमिताभ बच्चन एम्बेसडर कार के नीचे उतरते दिख रहे थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन उस समय काफ़ी ज़्यादा उनके साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई थी, जी हाँ, जिस समय आपको बता दें कि कूली की फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस समय जो बड़ा हादसा हुआ था उसके कारण उन्हें काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था, जी हाँ। तो शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर को अमिताभ को एक ज़ोरदार घूसा मारना था और इस सीन को रियल में दिखाने के लिए उन्होंने पेट को छूना था, लेकिन कुछ सेकेंड्स की देरी के कारण उनका घूसा अमिताभ बच्चन के पेट पर बहुत ज़ोर से लग गया। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल रहा, अमिताभ आराम करने के लिए अपने होटल चले गए, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनकी तकलीफ बढ़ती चली गई। कुछ ही घंटों में यह हालत हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 8 दिनों के अंदर उनकी 2 सर्जरी हो गई, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर उनकी पत्नी जया बच्चन को ये कह रहे थे कि आकर उनसे मिलने से पहले कि उनका निधन हो जाए। फौरन जया अमिताभ से मिलने के लिए अंदर गई और उन्हें देखने लगी। डॉक्टर उन्हें कहा कि अमिताभ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन जया ने अचानक देखा कि अमिताभ के पैर का अंगूठा हिला था। इस घटना के बाद डॉक्टर्स भी हरकत में आ गए और अमिताभ बच्चन की जान बच गई, जी हाँ। हालांकि जया बाहर आई तो पता चला कि वह ईश्वरीय घटना का संकेत था, जी हाँ। तो एक टॉक शो में भी जिस वक्त पैरों का अंगूठा हिला था उस वक्त ICU के बगल वाले कमरे में एक व्यक्ति का निधन हो गया था। जया ने कहा था कि यह ईश्वरीय घटना का संकेत था और अमिताभ को भगवान ने नया जन्म दिया था। होश में आने के बाद अमिताभ को 2 महीने बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी। आपने देखी अभी यह रिपोर्ट, आपने जाना अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के बारे में, आपने जाना उनकी दर्दनाक कहानी के बारे में, आपने जाना कि अब तक अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में कितना कुछ सहा है और इतना कुछ सहने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने फैंस को एंटरटेन करते हैं, शायद इसीलिए उन्हें महानायक कहा जाता है। अमिताभ बच्चन के परिवार में काफ़ी लोग हैं, जया बच्चन हो गई, ऐश्वर्या राय, उनकी बेटी श्वेता बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, उनकी नातिन आराध्या बच्चन, जी हाँ, ये सब लोग अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करते हैं। अमिताभ बच्चन का परिवार भी इसी तरह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो 80 साल की उम्र में भी लगातार फैंस से जुड़े रहना और लगातार फिल्मों में काम करना भी काबिल तारीफ होती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।